नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने जातियों की सूची में किया मामूली बदलाव। घोषित हुए MLC चुनाव के 5 सीटों के विजयी उम्मीदवार। मनीष कश्यप पर NSA का केस दर्ज। बिहार के इन 3 व्यक्तियों को मिला पद्मश्री। सरकारी स्कूलों के मैट्रिक रिजल्ट के लिए बोर्ड की तैयारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CCL ने 330 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा माइनिंग सरदार, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, डिप्टी सर्वेयर और असिस्टेंट फोरमैन T&S के 330 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं क्लास पास होना चाहिए और संबंधित विषय में ITI और डिप्लोमा होना चाहिए। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए आधिकारिक साइट centralcoalfields.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभियान के लिए अप्लाई करने के लास्ट डेट 19 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल के बारे में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर के पास स्थित यह हॉल चीनी विद्वान और यात्री ह्वेनसांग की स्मृति में है। एक स्मारक का निर्माण और नाम चीनी यात्री और विद्वान भिक्षु ज्वानजांग के नाम पर रखा गया है, जो नालंदा में छात्र थे और बाद में प्राचीन नालंदा महाविहार में शिक्षक बन गए। शानदार हॉल नालंदा के खंडर से बमुश्किल 1.3 किलोमीटर दूर स्थित है। January 1957 में भारत सरकार की ओर से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी के साथ ज्वानजांग के अवशेष प्राप्त किए और परम पावन दलाई लामा और तिब्बत के पंचन लामा से उनकी स्मृति में एक हॉल के निर्माण के लिए बंदोबस्ती की। इस पहल का मकसद भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना था। निर्माण कार्य 1960 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा हुआ। घोषित हुए MLC चुनाव के 5 सीटों के विजयी उम्मीदवार। बीते दिन बाकी बचे बिहार MLC चुनावों के परिणामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सारण स्नातक क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव और BJP उम्मीदवार डॉक्टर महाचंद्र सिंह के बीच में सीधा मुकाबला था, जिसमें वीरेंद्र यादव 5,951 मत से जीतने में कामयाब रहे। गया स्नातक निर्वाचन सीट पर राजद और BJP के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें BJP के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह जीतने में सफल रहे हैं। राजद के उम्मीदवार पुनीत कुमार को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोसी शिक्षक निर्वाचन में जदयू ने बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि जदयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने लगातार 4थी बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। संजीव कुमार सिंह को कुल 8,692 मत मिले हैं। सारण शिक्षक की बात करें तो यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। निर्दलीय उम्मीदवार अफाक अहमद ने महागठबंधन के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हरा दिया है। अफाक अहमद को 3,055 मत मिले। इन्हें प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त था। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के जीवन कुमार को जीत मिली है। उन्होंने जदयू के संजीव श्याम सिंह को हराया है। जीवन कुमार को 6,482 मत मिले, जबकि संजीव श्याम सिंह को 3,838 वोट मिले। इस साल 12 जिला अस्पतालों में शुरू होगी अत्याधुनिक लैब। इस साल यानी कि 2023 में आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक लैब के अंतर्गत इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी यानी कि IPHL का निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि इस एक साल में राज्य के दर्जन भर अस्पतालों में यह लैब शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लैब की शुरुआत होने से कई बीमारियों की जाँच एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगी, जिनमें मलेरिया, TB, एड्स समेत कुल 90 प्रकार की बीमारियां शामिल है। यानी कि इन बीमारियों के इलाज करवाने के लिए मरीजों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालूम हो कि इस लैब का संचालन जिला अस्पताल के परिसर में 5,000 वर्ग फीट में किया जाएगा। हालांकि इसके पहले चरण यानी कि एक साल में राज्य के 12 जिला अस्पतालों में इस लैब को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2026 तक यह लैब राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों में स्थापित हो जाएगा। मालूम हो कि एक लैब के निर्माण में लगभग 1.25 करोड़ रुपए सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे। जातियों की सूची में किया मामूली बदलाव। बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से होने वाली है। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा सभी जातियों के लिए एक कोड जारी कर दिया गया है। हालांकि जब से कोड जारी की गई है, तब से लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन बना हुआ था। दरअसल समाचार पत्रों के द्वारा दिए गए जाति कोड और मूल प्रति में जातियों की कोड में काफी अंतर था। बता दें कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जो सूची जारी किए गए हैं उनमें कुछ बदलाव किए गए थे। दरअसल सूची में बदलाव किए जाने के बाद 3 जातियों को सूची से हटा दिया गया है, जिसमें अगर
देवरिया, खडिया और मारवाड़ी शामिल है। बता दें कि इन तीन जातियों को हटाने के बाद सूची में सबसे पहले नंबर पर अघोरी आ चुका है, लेकिन इसके साथ ही सूची में दो जातियों को जोड़ा भी गया है, जिनमें 179 कोड पर विरजिया और 190 कोड पर सिखरा जाति को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब नई सूची में 215 के बजाय 214 जातियां शामिल है और कुल 214 जाति कोड है। इसके साथ ही अन्य को पहले 216 दिया गया था, जो अब 215 पर पहुंच चुका है। बिहार के विश्वविद्यालयों के नए सत्र को लेकर राजभवन ने दिया निर्देश। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का सत्र पटरी पर वापस आ सके और यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, इसके लिए राजभवन की ओर से सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया है कि वे नए सत्र यानी कि 2023-24 की कक्षाएं किसी भी हाल में जुलाई से जरूर शुरू कर दे। बता दें कि राजभवन के दिए गए निर्देश के बाद राज्य की सारी यूनिवर्सिटी एडमिशन की तैयारी में जुट गई है। मालूम हो कि इसी के तहत पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा 10 और 25 अप्रैल से एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी से यह भी कहा है कि जिस यूनिवर्सिटी ने अब तक सत्र 2022 में पीजी में एडमिशन नहीं लिया है, वो यूनिवर्सिटी दोनों सत्र का एक साथ मिलाकर यानी कि सत्र 2022 और 2023 को मिलाकर एडमिशन ले सकते हैं। निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों पर सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन पिछले दो दशकों से राज्य के विभिन्न निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमों के मामले पर कौशिक रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा कहा गया कि वह इस मामले पर एक माह के बाद सुनवाई करेंगे। बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट के द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को निर्देश दिया गया था कि वे नेशनल जुडिशियल ग्रीड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़ों को मूल रिकॉर्ड से जांच करें। बता दें कि याचिकाकर्ता की अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में लगभग 67 मामले ऐसे हैं जिस पर पार्टियां कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और लगभग 7 लाख आपराधिक मामले ऐसे हैं लंबित है जो वकीलों के सहायता के अभाव में है। बता दें कि अब इस मामले पर सुनवाई एक महीने बाद की जाएगी। अप्रैल में खूब सताएगी गर्मी। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से अब बदलने लगा है, इसकी अब एक झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इधर विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने की शुरुआत से ही बिहार में तापमान में गर्मी देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार आने वाले दिनों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। IMD की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन यह बारिश सभी स्थानों पर नहीं होगी। मनीष कश्यप पर NSA का केस दर्ज। तमिलनाडु प्रकरण से विवादों में घिरकर गिरफ्तार किए गए मनीष कश्यप फिलहाल तमिलनाडु पुलिस की रिमांड पर है। बता दें कि तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब वह 19 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। वहीं अब मनीष कश्यप पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है। मालूम हो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत समय अवधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु को बिहार मजदूरों के साथ मारपीट की घटना को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किए जाने को लेकर गिरफ्तार किए गए थे। वहीं बीते दिन मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहकर केस आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल को कर दिया कि केस उन्होंने पढ़ा नहीं है। बिहार के इन 3 व्यक्तियों को मिला पद्मश्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में कई लोगों को पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के भी 3 लोगों के नाम शामिल है। बता दें कि बिहार के जिन 3 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनमें सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, पेपर मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 87 वर्षीय सुभद्रा देवी और 52 बूटी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कपिल देव प्रसाद के नाम शामिल है। बता दें कि इन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा 25 जनवरी को की गई थी। वहीं इन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुभद्रा देवी को इससे पहले भी वर्ष 1980 में राज्य पुरस्कार और 1991 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 100 दिनों में बदल जाएंगे राज्य के 10 लाख खराब मीटर।
बिजली कंपनी के द्वारा राज्य भर में तकरीबन 10 लाख मीटर जो जले या खराब पड़े हैं उन्हें 100 दिनों में ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इसके लिए प्रत्येक शाखा को रोजाना 100 मीटर ठीक करने का काम सौंपा गया है ताकि 100 दिनों में अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सके। वहीं प्रत्येक दिन शाखा के द्वारा कितने मीटर ठीक किए जाते हैं उसकी जानकारी प्रतिदिन बिजली कंपनी ऐप की मदद से शाखा की ओर से मुख्यालय को दी जाएगी। मालूम हो कि अगर लक्ष्य के अनुसार मीटर को बदला नहीं जाता है तो उसका स्पष्टीकरण संबंधित पदाधिकारियों को मुख्यालय को देना होगा। बता दें कि इस मद में प्रति मंडल 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में मीटर खराब होने से उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं जिससे बिजली कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बिहार के 45 युवा सरकार की ओर से जाएंगे तमिलनाडु। एक भारत श्रेष्ठ अभियान के तहत युवा संगम के दूसरे चरण में बिहार के 45 युवाओं को सरकार की खर्च पर तमिलनाडु भेजे जाएंगे और साथ ही तमिलनाडु के 45 युवाओं को बिहार लाया जाएगा। बता दें कि तमिलनाडु जाने वाले 45 युवाओं का चयन किया जाएगा जो वहां जाकर वहां की संस्कृति खान पान को देखेंगे और पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे। वहीं जो 45 युवा तमिलनाडु से बिहार आएंगे वो भी बिहार की संस्कृति खान पान और पर्यटन स्थल को देखेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो 18 से 30 वर्ष के युवा 9 अप्रैल तक ebsb.aicte-india.org/ पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि युवा संगम के लिए IIT पटना को नोडल संस्थान बनाया गया है। मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट 5 मई को हो रही रिलीज। मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट 5 मई को रिलीज होने वाली है। बता दें कि फिल्म बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा की है। बिहार के मधुबनी जिले में इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग की गई है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान नीतू चंद्रा ने बताया कि इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। वे इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने इस फिल्म को लेकर बताया कि कोशिश यही है कि पुराने जवानी की सोच रखने वाले लोगों से मिलकर नए जवानी की सोच वाले लोग भी इस फिल्म को देखें और इससे सीख लें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की भाषाओं को आगे बढ़ाना है। बीजेपी और AIMIM के इन नेताओं को बिहार शरीफ जाने से रोका। बिहार के नालंदा में बीजेपी और AIMIM के नेताओं को जाने से रोक दिया गया। दरअसल बीते दिन एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा उपद्रव के दौरान गोली लगने से मारे गए युवक के परिजनों से मिलने के लिए 11 सदस्यीय दल के साथ बिहार शरीफ पहुंचे थे जहां उनके काफिले को पुलिस के द्वारा बाईपास के 17 नंबर मोड़ पर निषेधाज्ञा का हवाला देकर रोक दिया गया। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की और कहा कि महागठबंधन के नेता सद्भावना मार्च निकाल रहे हैं, वहीं उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी जब बिहार शरीफ पहुंचे तो उन्हें भी रास्ते में ही रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान अख्तरुल ईमान और प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच काफी कहासुनी भी हो गई, लेकिन फिर उन्हें बैडंग वापस लौटना पड़ा। सीएम नीतीश ने किया मुजफ्फरपुर इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। बीते दिन दक्षिण बिहार को एक सौगात मिली है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 23 एकड़ भूमि पर 152 करोड़ की परियोजना लागत से ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि एक वर्ष के अंदर यह दूसरा इथेनॉल प्लांट है जिसका उद्घाटन किया गया है। मालूम हो कि मोतीपुर में शुरू हुए इस इथेनॉल प्लांट से 1,300 लोगों को रोजगार मिल सकेगा, जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर काम करने वाले लोगों की संख्या 1,000 तो वही प्रत्यक्ष तौर पर काम करने वाले लोगों की संख्या 300 होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि बीते दिन शुरू किए गए इस इथेनॉल प्लांट से विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 10 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार के पास 152 इथेनॉल प्लांट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें से 17 प्लांट पर केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार और भी तेजी से आगे बढ़े इसके लिए हमें लगातार केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास अब भी यह मांग लंबित है। सरकारी स्कूलों के मैट्रिक रिजल्ट के लिए बोर्ड की तैयारी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में छात्र बेहतर परफॉर्मेंस कर सके इसके लिए विभाग की ओर से एक नई तैयारी की जा रही है। बता दें कि इसके तहत छात्रों को पहले से ही 10वीं की तैयारी करवाई जाएगी ताकि वे 10वीं में अच्छा रिजल्ट पा सके। मालूम हो कि इसको लेकर विभाग की तरफ से सभी जिलों में मुख्यालय स्तर से निर्देश भेज दिए गए हैं। बता दें कि 10वीं की तैयारी करवाने के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों में कुछ बच्चों को चुना जाएगा जो कि उनकी 9वीं के रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा। इन छात्रों की सूची तैयार करके BEO के माध्यम से जिला मुख्यालय भेजी जाएगी। बता दें कि जिन भी बच्चों का चयन किया जाएगा उन्हें क्रैश कोर्स की मदद से सभी विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी। MDM खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत, DM ने दिए जांच के आदेश।
बीते दिन बिहार के खगड़िया जिले के मोरकाही थाना इलाके के रशोक गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न का भोजन खाने के बाद से 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की तबीयत विषाक्त भोजन खाने से बिगड़ी है। हालांकि बच्चों के बिगड़ते तबीयत को देखते हुए उन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सभी का उपचार जारी है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बच्चों ने मध्याह्न के भोजन में चावल, दाल और सब्जी खाया था, लेकिन खाने के बाद बच्चों को पेट दर्द होने लगा और साथ ही उल्टी और सरदर्द होना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें अफरा तफरी के माहौल में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी होने पर डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष और डीईओ कृष्ण मोहन ठाकुर तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे और बच्चों की हालत की जानकारी ली। इस घटना पर डीएम का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमबीबीएस छात्रों के लिए एनएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एसकेएमसीएच समेत देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए और साथ ही शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइडलाइन जारी किया गया है। बता दें कि इस गाइडलाइन के तहत एमबीबीएस विद्यार्थियों को हिदायत दी गई है कि वह मरीजों के स्क्रीनिंग के समय उन्हें खुद से कभी दवा और जांच की सलाह न दे, और अगर कोई छात्र ऐसा करना भी चाहते हैं तो वो इस बारे में अपने सीनियर डॉक्टर से पूछकर ऐसा करे। इसके साथ ही मरीजों पर बुरा असर न पड़े इसलिए छात्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी मरीज की जानकारी को शेयर नहीं कर सकते। इसके साथ ही एनएमसी के द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को बताया गया है कि वे छात्रों को स्थानीय बोली के बारे में भी जानकारी दें और साथ ही छात्रों को स्वास्थ्य शिविरों में जाने को कहें और उनकी ड्यूटी उसमें लगवाएं। वहीं शिक्षकों को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि शिक्षकों को अब प्रोफेसर नहीं बल्कि फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की भूमिका में काम करना होगा और छात्रों को चिकित्सकीय नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी देनी होगी। भाजपा किसान मोर्चा का पैदल मार्च 9 को। इन दिनों केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पैदल मार्च किया जाएगा। बता दें कि इस पैदल मार्च की शुरुआत भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा 9 अप्रैल से की जा रही है। मालूम हो कि यह मार्च का फैसला भाजपा प्रदेश मुख्यालय के कैलाशपति मिश्र सभागार में किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों के साथ की गई बैठक में ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा के तहत गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, जो राज्य के नदी किनारे बसे सभी गाँव व मंडलों में किया जाएगा। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी और महागठबंधन को ललकारा। एमएलसी चुनाव में सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अफाक अहमद के द्वारा महागठबंधन के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हराकर जीत हासिल करने के बाद रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान बीजेपी और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि जनसुराज न तो बीजेपी का वोट साफ किया है और न ही राजद का, इन दोनों के वोटों को जनता ने साफ किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, इसके बावजूद महागठबंधन और भाजपा सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर मिली हार के बाद घबरा गई है। एक तरफ महागठबंधन कहती है कि भाजपा का वोट साफ हुआ है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कहती है कि महागठबंधन का वोट साफ हुआ है, लेकिन जनसुराज ने किसी का वोट साफ नहीं किया, जनता ने उन्हें खुद साफ कर दिया है। धोनी को मिला श्रीकांत का आशीर्वाद। इन दिनों चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर के श्रीकांत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल के श्रीकांत धोनी के द्वारा लगाए गए छक्के से इतने खुश थे कि वह उनसे मिलने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए सीधे सीएसके के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। वहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है वह वीडियो उनकी मुलाकात का ही है। बता दें कि इस वीडियो में के श्रीकांत और मुरली विजय चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ियों से मिलते नजर आ रहे हैं और इस दौरान के श्रीकांत ने महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लगाए गए छक्कों की जमकर तारीफ की। बता दें कि इस दौरान के श्रीकांत इतने खुश थे कि उन्होंने धोनी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। मालूम हो कि सीएसके का अगला मैच 8 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। विश्व स्वास्थ्य दिवस को 1998 से महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा की। भारत में दिल्ली पुलिस ने सन 2000 में करोड़ रुपए के क्रिकेट मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया था। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा ने 2008 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। 2 दिवसीय भारत अफ्रीका पहली शिखर बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ हुई। अभिनेता जितेंद्र का 1942 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का 1920 में जन्म हुआ। 2011 में प्रसिद्ध कवि
जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन हुआ। 2014 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति का निधन हुआ। आज के दिन को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस और महिला चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालकोट में आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि झूठा दावा किया जा रहा है कि आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत 2025 तक बांग्लादेश से अधिक गरीब होगा और अब विकासशील देश नहीं रहेगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि आईएमएफ एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जविया के अनुसार भारत एक उज्जवल स्थान बना हुआ है और 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देता है। व्हाट्सएप का नया इंटरफेस होगा ऐसा। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए तरह के इंटरफेस पर काम कर रहा है जहां यूजर्स को चैट, कम्युनिटी, स्टेटस और कॉल का ऑप्शन टॉप की बजाय बॉटम में मिलेगा। यानी अभी तक जो काम आप टॉप पर क्लिक करके कर पाते थे वह अब बॉटम बार से कर पाएंगे। वेबसाइट के मुताबिक iOS और एंड्रॉयड के लिए इंटरफेस अलग अलग हो सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एंड्रॉयड से iOS पर स्विच करता है तो उसे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। इस नए बदलाव का फायदा ये होगा कि यूजर्स बॉटम बार से ही चीजों को एक्सेस कर पाएंगे और एक हाथ से भी तेजी से व्हाट्सएप चला पाएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सन्नी सहनी, पुरुषोत्तम कुमार, रविशंकर, सुधीर कुमार, देव देवानंद देव, मंजय कुमार, नौसद अंसारी, जहांगीर आलम, मोहम्मद सकीर हुसैन, सुनील कुमार, अंजना मिश्रा, रामाशीष पासवान, पंकज कुमार दास, अहमद शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील के खाने की गुणवत्ता कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।